आखिर बाबा साहेब पर क्या बोले फिल्म स्टार नाना पाटेकर, जिसे सुनकर मनुवादियों के उड़े होश। तो जय भीम दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मशहूर फिल्म अभिनेता पद्मश्री नाना पाटेकर अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। नाना पाटेकर एक बार गेस्ट लेक्चर सीरीज GLS नामक एक कार्यक्रम में गए थे, जहां उनसे पूछा गया था कि आप किससे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इस वीडियो में हम जानते हैं कि नाना पाटेकर ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा। 70 वर्षीय नाना पाटेकर एक अनुभवी भारतीय अभिनेता, लेखक और फिल्म निर्माता हैं। वह एक मराठी व्यक्ति हैं और मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा में बेहद लोकप्रिय हैं। वह एक सामाजिक व्यक्ति हैं और हमेशा समाज के लिए विभिन्न कार्य करते देखे जाते हैं। मराठी फिल्म अभिनेता मकरंद अनासपुरे के साथ उन्होंने नाम फाउंडेशन भी शुरू किया, जिसके माध्यम से वह महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों में आत्महत्या करने वाले किसानों की मदद करते हैं। नवंबर 2023 को अभिनेता नाना पाटेकर वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट VJTS मुंबई द्वारा आयोजित गेस्ट लेक्चर सीरीज GLS नामक कार्यक्रम में गए थे। इस इवेंट में एक शख्स ने नाना पाटेकर से पूछा, नाना आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, लेकिन आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है? नाना पाटेकर ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमेशा सुटबुट में रहते थे। उन्होंने जीवन भर सबके लिए काम किया। उन्होंने केवल दलितों के लिए काम नहीं किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में यह भ्रांति है कि वे केवल एक दलित नेता हैं, लेकिन उन्होंने सभी समुदायों के लिए काम किया है। बाबा साहब ने हम सब के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नाना पाटेकर के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, और वे उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत क्यों मानते हैं इसका भी जवाब उन्होंने दिया है। वाकई नाना पाटेकर की बात में सच्चाई है, क्योंकि कुछ लोग आज भी बाबा साहब को संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं और उन्हें एक विशेष वर्ग का नेता ही समझते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने देश के सभी समुदायों के लिए काम किया है, इसलिए नाना पाटेकर ने उन्हें अपनी प्रेरणा, अपना आदर्श माना। निर्विवाद रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विश्व रत्न हैं। हालांकि वे एक मराठी व्यक्ति थे, उन्होंने सामाजिक कार्यों के माध्यम से देश भर में सुधार लाए और दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समाज सेवी नाना पाटेकर इस सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बाबा साहब को अपनी प्रेरणा मानते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर भी सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति हैं और वे सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने न केवल दलितों के लिए बल्कि सभी के लिए काम किया है, साथ ही वे केवल दलितों के नहीं बल्कि हम सभी के हैं। मराठी पृष्ठभूमि से आने वाले नाना पाटेकर मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करते हैं। वह स्वयं अनुसूचित जाति दलित व्यक्ति नहीं है, न ही वह धर्म से बौद्ध है। वे आस्तिक हैं या नास्तिक यह भी झांत नहीं है। उनका जीवन स्तर सरल है और उनका सामाजिक कार्य महान है। सिनेवर्ल्ड में नाना पाटेकर के अलावा और भी कई हस्तियां हैं जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं। इनमें आमिर खान, नागराज मंजुले, आर्चा चड्ढा, पा रंजीत, उषा जाधव, आदर्श शिंदे, आनंद शिंदे, गगन मलिक, सिद्धार्थ जाधव, भाव कदम जैसे कई उल्लेखनीय फिल्मी लोग हैं। तो दोस्तों आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।